हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिल्पी श्रीवास्तव एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल के बायर्स क्लब। हम डालते हैं हमारे इस चैनल पे इंडिया के वन ऑफ दी बेस्ट प्रॉपर्टीज की वीडियो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे रेजिडेंशियल हो, या फिर बात करनी हो किसी भी रियल एस्टेट टॉपिक की। बेसिकली अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो आप घर बैठे बैठे हमारे इस चैनल के थ्रू रियल एस्टेट में एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सर्च कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बेसिकली हमने हमारे इस चैनल पे द्वारका सब सिटी के अंदर होने वाली जितने भी कंस्ट्रक्शन यानी कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के, उन सभी प्रोजेक्ट को कवर किया है। लाइक ISCC, भारत वंदना पार्क, ओमेक्स का अपकमिंग कमर्शियल प्रोजेक्ट हो, स्कॉन टेम्पल हो, अपकमिंग ISBT हो, द्वारका एक्सप्रेस वे हो, UER2 हो, और भी बहुत सारी वीडियोज़ हमने कवर की है द्वारका के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक और प्रोजेक्ट की। अगर मैं बात करूं, पूरी दिल्ली में इतनी डेवलपमेंट्स नहीं हो रही हैं जितनी बस एक द्वारका में हो रही हैं। अब इन सभी के बीच हम एक और प्रोजेक्ट आपके लिए लेकर आए हैं। बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट है, जितने भी रेलवे स्टेशंस हैं इंडिया में, उन सभी को रीडेवलपमेंट्स कर रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ दिल्ली की बात करूं तो आगे चल के आपको आनंद विहार रेलवे स्टेशन, सफदरजंग रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और बिजवासन रेलवे स्टेशन, इन सभी को रीडेवलपमेंट्स किया जाएगा। और इन सभी में से सबसे पहले नंबर आता है बिजवासन रेलवे स्टेशन का, जिसके अंदर काम स्टार्ट भी हो चुका है और बहुत ज़ोरों शोरों से इसका काम चल रहा है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बिजवासन रेलवे स्टेशन को कवर करेंगे कि इसकी डेवलपमेंट्स कहाँ तक पहुँची है और इसके अंदर आपको किस तरीके की फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है बिजवासन रेलवे स्टेशन। काफ़ी छोटा रेलवे स्टेशन है, बस दो प्लेटफार्म है यहाँ पर और ज़्यादातर पैसेंजर ट्रेन ही यहाँ पर रुकती है। लेकिन अब इस रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट करके वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। इस रेलवे स्टेशन के पास खाली लैंड नहीं होने के कारण जहाँ पर अभी रेलवे स्टेशन है वहाँ से थोड़ी दूरी पर नया रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ऐसा ही बनाया जाएगा बिजवासन रेलवे स्टेशन। द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट के बीच में यह रेलवे स्टेशन डेवलप हो रहा है। इसे दो फेज में बनाया जाएगा। फर्स्ट फेज में इस एरिया को डेवलप किया जाएगा, सेकेंड फेज में इस एरिया को डेवलप किया जाएगा। बिजवासन रेलवे स्टेशन का मेन अट्रैक्शन होगा टर्मिनल स्टेशन बिल्डिंग। जी हाँ, लगभग 30,000 स्क्वायर मीटर एरिया में बनाया जाएगा, साथ में ही लगभग 12,500 स्क्वायर मीटर एरिया में एयर कंक्रोज होगा और अप्रॉक्स 1,25,000 स्क्वायर मीटर एरिया में सर्कुलेटिंग नेटवर्क होगा, ताकि स्टेशन में पैसेंजर्स के साथ साथ आने वाले व्हीकल को भी एक स्मूथ एंट्री और एग्जिट मिल सके। इस रेलवे स्टेशन में टोटल 8 प्लेटफार्म होंगे, अभी सिर्फ 2 हैं। साथ ही 4 सब्वे भी बनाए जाएंगे और पैसेंजर्स के एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग गेट बनाए जाएंगे, जिसके कारण किसी तरीके की भीड़ भाड़ ना हो। इस रेलवे स्टेशन के कंक्रोज में सुंदर वेटिंग एरिया, फूड कोर्ट, रिटेल शॉप्स और बेसिक वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी जो आपको चाहिए होती हैं। और पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए यहाँ पर लिफ्ट और एक्सीलेटर्स भी होंगे। बिजवासन में मल्टी मॉडर्न ट्रांसपोर्ट हब भी है, बन रहा है, और यहाँ पर द्वारका सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन भी है, जो कि दिल्ली मेट्रो का ब्लू लाइन और एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे लाइन भी यहीं से है। द्वारका में ISBT परपोज है और यहीं पर डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा द्वारका एक्सप्रेसवे भी बिजवासन रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करता है और इस एरिया में द्वारका एक्सप्रेसवे और UER2 सेम होगा। इस रेलवे स्टेशन के डेवलप का काम काफ़ी टाइम से ही चल रहा है। कमल आदित्य कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट मिला है रेलवे स्टेशन डेवलप करने के लिए। लगभग 270 करोड़ के बजट से इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। सबसे पहले टर्मिनल बिल्डिंग और एयर कंक्रोज का कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया था। और अब मैं कंस्ट्रक्शन अपडेट की बात करूं तो रिसेंटली ही रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी बिजवासन रेलवे स्टेशन का स्टेटस देखने गए थे और अभी कंस्ट्रक्शन काफ़ी आगे बढ़ चुका है। रेलवे ट्रैक्स काफ़ी हद तक बिछ चुकी है। उम्मीद लगाया जा रहा है कि 2 साल के अंदर अंदर 2025 के एंड तक बिजवासन रेलवे स्टेशन का फर्स्ट फेज बन के रेडी हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात यही है कि रेलवे मिनिस्टर खुद इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर रहे हैं।
तो विजवासन दिल्ली NCR का पहला रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन होगा। अभी तक मध्य प्रदेश में भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन और गुजरात का गांधीनगर रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जा चुका है और दिल्ली में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट स्टार्ट होने वाला है। गाइस, ये थी विजवासन रेलवे स्टेशन की टोटल डिटेल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे और कौन से प्रोजेक्ट की देखना चाहते हैं हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्टे सेफ। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना ना भूले। नियर डियर फ्रेंड्स फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।